गाइस ये चेक करो क्या कर रहे इधर। अरे भाई बोले हरियाणा के भाई की आवाज सुन के ना, मतलब भाई का टोन है भाई, हरियाणा भाषा बोल दो भाई। उसमें गुड़ डाल के और उसमें घी डाल के अच्छी तरह पेस्ट करके उनको बना के बना दो। क्या विषय? अरे झोपाचे झोप कुठे झोपले तुम्ही मातीत? चलो गाइस इंजेक्शन ले ले, अभी घर पे जाके बता तो क्या सीन है। तो गाइस फिलहाल अभी आ चुके हैं घर पे और अभी कर रहा हूँ व्लॉग को स्टार्ट। क्या मालूम मैं व्लॉग करने ही भूल गया था मैं इस चक्कर में, क्योंकि मैं बीमार हूँ, आवाज़ के वजह से समझ गया होगा, बट अभी तो भी ठीक है। तीन चार आज चौथा दिन है, पूरा सीन बता तो सबसे पहले फ्रेश होता और अब भी आए। सर्दी खांसी बहुत खतरनाक थी, आवाज़ से इतना कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी कोई सीन नहीं, अभी ठीक है। तो भी आज लास्ट इंजेक्शन था, लेके आए दवाई लेके आए, अभी होता हूँ फ्रेश, फिर मिलता आपसे। रुको अभी आपको सब कुछ बताता हूँ क्या हो रहा था, एक सेकेंड। तो गाइज हाँ अभी एकदम मस्त ओके, अभी आपको सब डिटेल में बताता हूँ क्या क्या हो गया था क्या क्या नहीं। तो 25 तारीख दिसंबर का प्लस 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन बीमार था मैं, इस वजह से क्रिसमस के दिन भी व्लॉग नहीं बनाया, चर्च जाके आए बस उतना, उसके बाद आके सोया। दूसरे दिन मतलब इंजेक्शन लेके आया था मैं हॉस्पिटल से इंजेक्शन, तो फिर अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन 26 को, लास्ट ईयर जैसा मैंने क्या किया था, लास्ट ईयर 1 तारीख से लेके तो मैं पूरे साल ठंडे पानी से नहाने वाला था, बट लास्ट ईयर भी ऐसे ही हो गया था कि बीमार होने के कारण मुझे गर्म पानी से नहाना पड़ा। तो इस साल भी वैसे ही कोई सीन था, पूरे साल ठंडे पानी से नहाया और मतलब अभी तक नहाया ही नहीं गर्म पानी से, मैंने गर्म पानी को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। तो अभी सीन ऐसा है कि 26 को फिर मैंने थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, 26 को मैंने सुबह सुबह 7 बजे शावर ले लिया, क्योंकि दोपहर में मुझको जाना था पुणे, 3 बजे जाना था शायद, 2 या 3 बजे हमको पुणे निकलना था, थोड़ा सा प्लान थे हमारे। बट फिर सुबह नहाया ठंडे पानी से, तो फिर बाप रे बाप, फिर उसके बाद और खांसी और जुकाम बढ़ गया, मतलब और सर्दी भी आ गई, खतरनाक सीन हो गया था, सिर भी दुखने लगा। घर वाले बोले अभी किधर नहीं सब कैंसिल, मेरे वजह से दोस्तों का भी कैंसिल हो गया, सबका कैंसिल हो गया, सो पुणे नहीं गए। और फिर दूसरे दिन भी नहाया नहीं, आज चौथा दिन है गाइस मैं नहाया नहीं हूँ, तो इस वजह से नहाया नहीं। नहाएंगे तो ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहीं नहाएंगे, आज लास्ट इंजेक्शन था, अभी एकदम ओके, थोड़ी सर्दी है बस और थोड़ी सी खांसी बस, बाकी कुछ नहीं, सिर वगैरह सब एकदम ओके। तो मैं सोचा आपको ब्लॉग में बता दूँ क्या था क्या नहीं, मैं ब्लॉग भी नहीं डाल रहा, मेरे पास 5-6 ब्लॉग पड़े बहुत पुराने 10-12 दिन पहले के, अभी तक एडिट करके नहीं डाला मैंने, तो सिर्फ सो रहा था। अभी क्या दिन में क्या ही करूँगा, अभी दिन में अभी क्या दिन में और मैं क्या दिखाऊँ आपको, खाऊंगा पीऊँगा सो जाऊँगा टी वी देखूँगा, वही दिखाता हूँ आपको। चलो ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ आपको आज के ब्लॉग में, जो मैं कर रहा हूँ आज कहीं बाहर जाने नहीं वाले, कुछ कंटेंट भी नहीं बनने वाला, बट क्या है खा पी के सोने का, ये दवाई लो खाओ सो जाओ, ऐसा ही रूटीन रहा आज के दिन और कल के दिन भी ऐसे रहेगा। परसों से देखते क्या है, परसों से रनिंग भी चालू करनी है जल्दी से और देखते क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, न्यू ईयर के दिन भी कुछ तो भी करते। तो गाइज अभी बैठा हूँ खाना वगैरह खा के, मतलब अभी दोपहर के 2 बज रहे, अपना 3 बज रहे, तो अभी बैठा हूँ शॉप में थोड़ी देर, पापा को, पापा बैठे थे सुबह से, बोला चलो जान दे, उनको बैठने देते, नींद भी नहीं आ रही आज, और आज शायद से 5:30 नहीं तो 4:30-5 बजे चला जाऊँगा ग्राउंड पे। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, घर पे बैठे बैठे ना बहुत बोर हो रहा है, खतरनाक वाला बोर हो रहा है, बाहर ही नहीं किधर, 3 दिन से बैठे बैठे ना ऐसा हो रहा है, मतलब किधर जेल में बंद कर दिया ऐसा हो रहा है। बट आज जाएंगे ग्राउंड पे, चक्कर मार के आऊँगा, थोड़ा फुटबॉल खेलेंगे लगा, तो फुटबॉल भी इधर ही है, 4-5 दिन से बच्चों ने फुटबॉल नहीं खेला, फुटबॉल ही मेरे घर पे पड़ा है, सो देखते हैं। अभी सब बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, प्रतीक के भी फ़ोन आया था कि आ जा भाई, तो अभी सबको बता दिया फ़ोन करके कि आने वाला हो 5 बजे आ जाओ खेलने के लिए, तो देखते क्या सीन होता है क्या नहीं। और भाई घर में बैठे बैठे ना सच्ची में बहुत बोर हो रहा है, व्लॉग बनाने का मन कर रहा है, बट अभी बाहर नहीं जा सकते किधर, अब भी ऐसे टाइम पे बाहर गए तो घर वाले बहुत ही हो जाएंगे, तो अभी रूल्स फॉलो करते घर वालों के थोड़े बहुत, और उसके बाद देखते क्या होता है शाम को। और अभी नागेश चला गया, मैं व्लॉग बनाने का ही भूल गया, नागेश अभी चला गया हमेशा के लिए पुणे के लिए, मतलब हमेशा के लिए पुणे चला गया ऐसा नहीं है, तो उसके कुछ रीजंस के लिए पुणे गया है। और लास्ट मतलब आज सच में जा रहा था, 2-3 दिन आया था तो बैग वगैरह लेने के लिए, और अभी गया तो व्लॉग बनाना ही भूल गया, सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। व्लॉग फ़ोन अंदर चार्जिंग में था, उसका कॉल आया तो भी मैंने उठाया नहीं, उसको मालूम ही नहीं साइलेंट पे था फ़ोन, पापा बाहर आके उसने एक आवाज़ दिया तो पापा बोले कि वो आया है, तो ऐसा सीन था। देखते हैं अभी क्या होता है, और क्या बोलो भाई अभी चला गया अपना भाई
दीप दीप था उसके साथ में, दीप छोड़ने के लिए आया था। और देखते हैं अभी क्या सीन, मतलब दीप को भी फोन लगाया तो फोन नहीं उठाता। अभी जाएंगे हम ही मिलने जाएंगे नागेश्वर थोड़े दिनों में, वहाँ पे कोई सीन नहीं। चलो मिलता होगा इस ग्राउंड पे 4 बजे। बाय बाय, अब तक बैठ दो यहाँ पे। तो गाइस चलो अभी रेडी वगैरह होके मैं निकल चुका हूँ। हाथ में 2 रुपये ले लिए, बॉल में हवा भरनी है, हवा कम है बॉल में। चौक में वहाँ पे साइकिल की दुकान है, वहाँ से हवा भरता हूँ और उससे जाते ग्राउंड पे। चलो उनके रही में घूमते बैठने बोले ना। हाँ अन्ना कुरकुड़े नाल कुरकुड़े डिस्के गाइस ग्राउंड पे आ चुके हैं। अभी ग्राउंड पे आ चुके हैं, ग्राउंड पे इधर चालू है गोला फेंक कराटे, और इधर फुटबॉल के बच्चे आ चुके, अपने बच्चे आ चुके, अपने बच्चे बोले तो फुटबॉल वाले गलत मत समझे यार, कुछ भी समझ लेते। अन्ना कुलकुड़े नाल कुलकुड़े डिस्के आओ। अरे बाबू खेलेंगे आज, बट कुछ भी हो जाए। गाइस ये भाई मिले हमको यहाँ पे, ये हरियाणा से, क्या बोलते भाई, क्या नाम है आपका? नवीन भाई साहब। आपका भाई? मोहित भाई। भाई हम इधर मतलब अभी फुटबॉल खेल रहे थे तो भाई इधर गोला वगैरह फेंक रहे थे, तो भाई आ गए खेलने के लिए हमारे साथ। तो अभी भाई बोले हरियाणा के, भाई की आवाज़ सुन के ना मतलब भाई का टोन है, भाई हरियाणा भाषा बोल दो भाई का जब अब्बा की। हाँ तो गाइस भाई हरियाणा, तो गाइस भाई हरियाणा भाषा में बात कर रहे थे, मतलब उनका टोन ही अलग होता है ना उनके नाज में, देख मैं भी अलग अलग बोल रहा था। तो भाई का एकदम मतलब विषय नॉट। कब से भाई इधर, कब आए तुम? 10-15 दिन हो गए। हाँ क्या? अच्छा मैं आ रहा नहीं था, हफ्ता भर हो गया हमने आते हैं, तो हम आते खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे क्या आज? ना खेल लेंगे। चलो खेलेंगे हमारे साथ अभी, चलो फुटबॉल खेलेंगे। भाई को लेंगे आज, क्या नवीन नाम बताया ना आपका, तो नवीन भाई के साथ खेलते हैं आज फुटबॉल। वो अंकित बयानपुरी है, उनके गाँव के ऐसे बयानपुरी गाँव के ऐसे वहाँ पे पास में रहते ना? ना वो हमारे से दूर पड़ता थोड़ा, 10-12 किलोमीटर ना यार, 10-12 किलोमीटर ऐसे घूम लेते हम तो। ये तो है ही, है क्या? नहीं और क्या, क्या बोलते हो? और पहलवानी करते क्या? नहीं तो ना पहलवानी रनिंग करते हैं, आर्मी कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो अभी खेलते हैं फुटबॉल गाइस। चलो तो गाइस अभी यहाँ पे ना भाई से पूछ रहे थे हम चूरमा कैसे बनाते, वो भाई उधर जाके बैठ गए, वो इंटरेस्टेड नहीं लगता हमारे व्लॉग्स में, बट भाई से हम पूछ रहे थे चूरमा कैसे बनाते हैं। हाँ बताओ भाई। अभी रोटी के मोर के अच्छी तरह है, हाँ उसमें गुड़ डाल के, हाँ और उसमें घी डाल के अच्छी तरह पेस्ट करके उनको बना के बना लेते हैं। मतलब 4-5 रोटियों का बन जाता है क्या? हाँ 4 का बना दो, 5 का जितना आपके अनुसार बनाना उतना बन जाएगा। मतलब जैसे आपको 2 रोटियों का बनाना है, हाँ तो 2 रोटियां का बन जाए, ज्यादा बनाना तो ज्यादा भी बन जाएगा, आपके हिसाब से बनेगा वो तो कितना। तो कभी खाया नहीं हमने, हमारी इधर तो कभी बनता नहीं है, बट आप भी ऐसे वो याद आया उन्हीं के वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा ये बनना है ना, ये देख चिता। आपको आता है बनाते? नहीं मम्मी बनाती घर पे। अच्छा बस सिंपल है, अभी आप जैसे बोल रहे हैं एक बार ट्राई करूंगा अभी घर पे, अभी थोड़ा तक कोई नहीं बनता है, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, कुछ टेंशन नहीं। गाइस ये चेक करो क्या कर रहे इधर, क्या विषय? अरे झोपायचं झोपाय, कुठं झोपले तुम्ही मातीत? अरे तिकडे चांगला सर्फेस आहे तिकडे पडा ना, हे चेक करो गाइस माती में सो रहे थे नीचे इधर। प्रतीक शेट को जरा उसके मेन पॉइंट पे लग चुका है बॉल, यहाँ पे कीपर ये था भाई का जैसे लग चुका है, तो भाई इधर सॉरी ट्रीटमेंट चालू थी ये भाई की तरफ से। उल्टा लेट जा, अरे उल्टा लेट गया था, किधर गए थे तुम? नहीं काटते भाई, तुझा कौन सा फोन? ये चेक करो गाइज उभा रहा कोणी, लॉटी अमेरिका कोण म्हटलं? गाइज गेम चालू था इधर, भाई गेम इज फाइन नाउ, फाइन नाउ, ओके ओके एकदम, एकदम ओके लुली ओके। खेल के आने के बाद गाइस अभी हो रहा है टाइम रात के 10:30, और अभी व्लॉग एंड कर रहा हूँ। आया खाना वगैरह खाया, दवाई वगैरह ली, और आपको दिखा तो ये चेक करो, ये गुड़ और अदरक का है, इसको गरम करके मतलब जो हम चिक्की खाते हैं ना तो वैसे ही सेम, बट इसमें अदरक होता है और गुड़ होता है, बस उतना ही मस्त एकदम इसको चबाने का होता है, आप चबा बोल रहे क्या बोलते, जीभ में नीचे रखने का, मस्त करने का। आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ किया नहीं, मिलता आपको कल एक न्यू और फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए मतलब कल बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा मालूम नहीं, बट परसों बनाएंगे हम, कल का दिन रेस्ट लेंगे। मैं आपको ये बनाने के लिए मतलब क्या हो रहा है व्लॉग क्यों नहीं आ रही, इस वजह से मैंने एक व्लॉग बनाया है, इसको अभी तुरंत एडिट करता हूँ 5 मिनट में और फिर डाल देता हूँ अपलोड करता हूँ। तो मिलता आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मस्त ठंडी में चादर लेके सो जाओ, गुड नाइट।